वीडियो देखते हुए ब्रेक आए, मजा नहीं आता। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। और आपको जैसा कि पता हो, पूरे देश में आज रन फॉर यूनिटी का आयोजन हो रहा है। सीधे आपको लिए चलते हैं केवड़िया, जहां पर हमारे संवाददाता मौसमी सिंह और गोपी घांगर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले गोपी, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ कार्यक्रम वहां पर हो रहा है, प्रधानमंत्री कब पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल श्वेता, मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री अभी कुछ ही देर में यहाँ पे पहुंचेंगे। ये एकता परेड ग्राउंड है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के ठीक सामने ये एकता परेड ग्राउंड यहाँ पे है। और यहाँ पे एनडीआरएफ के समेत कई सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है वो सारे अपने अलग अलग करतब दिखाएगी। साथ ही जो यहाँ पे जेएनके पुलिस का पुलिस बैंड भी यहाँ पे पहुंचा हुआ है, जो कि एक परफॉर्मेंस देगा अपना। और इसके अलावा देश के अलग अलग राज्यों के कई सारे पुलिस बैंड्स यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। और खास तौर पर यहाँ पे जब आतंकी हमला होता है तो किस तरीके से हमारी फोर्स उसके साथ लड़ती है, किस जाबाजी से, किस बहादुरी से उसके साथ लड़ती है, ये सारी चीजें यहाँ पे डिस्प्ले की जाएगी। साथ ही पैरामिलिट्री कार्यक्रम है। मौसमी, आप जिस लोकेशन पर हैं, आप जहाँ पर हैं, क्या देख पा रही हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए आज तक आपको बेहतरीन तस्वीरें दिखा रहा है एक्सक्लूसिव एरियल व्यू जो परेड ग्राउंड का है, जहाँ पे प्रधानमंत्री आएंगे और आपको दिखाना चाहेंगे ये जो भव्य प्रतिमा है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, बेहद जीवंत। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि यहाँ की मिट्टी में कुछ ऐसा अनूठा है कि यहाँ पे कई बाधाओं के बावजूद भी महान आत्माओं और हस्तियों का जन्म हुआ। और कुछ ऐसी महान हस्ती थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको गांधी ने उनका डिप्टी कमांडर बुलाया, नेहरू ने उनको राष्ट्र निर्माता बुलाया और उनको किसानों ने उपाधि दी सरदार पटेल की। अब प्रधानमंत्री जो लगभग 8 बजे आप पहुंचेंगे, पर आपको हम दिखा रहे हैं बहुत ही जो तस्वीर है बहुत ही ज्यादा सुंदर। ये बिल्कुल जैसे ही प्रधानमंत्री पहुंचेंगे हम फिर आप लोगों के पास आएंगे। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।